आपका सेंसर ठीक है, उल्टा लगने से शॉर्टिंग वगैरह कुछ चांस नहीं होता इसके अंदर। नहीं हो रहा दोस्तों, ऑन नहीं हो रहा, पावर हटाया, स्पीकर हटाया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉल्ट था। साथियों ये है सोनी कंपनी का होम थिएटर मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम SAD40। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लाइट तो जलती है इसमें लेकिन आवाज़ नहीं आती, इसको बोलेंगे स्टैंड बाई में फंसा हुआ सेट है ये। तो देखिए दोस्तों इसका अडेप्टर है ये ऑपरेटिंग 18 वोल्ट 2.6 एम्पियर, मॉडल नंबर है SAD40। इसके अंदर दोस्तों टीवी, USB और ब्लूटूथ का फंक्शन इनबिल्ट है। एक D10 आता है उसमें ब्लूटूथ नहीं होता, उसमें ब्लूटूथ कैसे लगेगा, किस प्रकार लगेगा, उसकी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में भी लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं पावर लगाता हूँ, पावर ऑन करता हूँ। दोस्तों इसके अंदर क्या है, इस सेट के अंदर यहाँ पे इसका पावर इनपुट है, ये पावर इनपुट लगा दिया और ये एक स्पीकर इसका कस्टमर देखे गया। इसमें दोस्तों 4 स्पीकर लगते हैं, इस प्रकार 4 स्पीकर लगते हैं, हम एक स्पीकर से इसको टेस्ट कर लेंगे फिलहाल। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसके अंदर रेड लाइट जल चुकी है। अब देखिए मैं करता हूँ इसको ऑन, यही इसका पावर का स्विच है, ऑन नहीं हो रहा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन लाइट आ जाती है, ऑन होती। अब रिमोट से करते हैं, रिमोट से भी ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेट के बैक साइड में इसका बोर्ड लगा हुआ है उसको खोलते हैं। ये इसका बैक साइड है दोस्तों, 5 पेज हैं दोस्तों इसके, ये 5 पेज में खोल लेता हूँ। पावर हटाया, स्पीकर हटाया। दोस्तों इसके खोल के सारे पेज, ये दोस्तों बोर्ड आ गया इसका। अब ये देखिए इसका बोर्ड भी खोल के देख लेता हूँ एक बार मैं, देखते हैं कई बार क्या होता है, कुछ लूजिंग वगैरह ना हो रही हो कॉन्टैक्ट में। सबसे पहले उसी काम को करके देखेंगे, इस प्रकार से इसका बोर्ड अलग हो जाएगा, बोर्ड अलग हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों ये है इसका स्ट्रैप लगा हुआ है, ये बूफर की तार है, ये केबल लगी हुई है। इसमें क्या है दोस्तों, इसकी सारी वोल्टेज जो है ना, इस स्ट्रैप की सारी वोल्टेज यहाँ लिखी हुई है। वोल्टेज अगर आप नापनी हो तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आप नाप सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका स्ट्रैप निकालेंगे, देखेंगे कोई कार्बन वगैरह तो नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें मुझे यहाँ कुछ लग रहा है, कुछ कार्बन सा लगा हुआ है इसके अंदर ना। पहले इसका कार्बन मैं साफ़ करके देख लेता हूँ, कभी क्या होता है इन छोटी छोटी चीज़ों से भी हमारा सेट बंद हो जाता है। थोड़ा ब्रश से साफ़ करता हूँ इसको। ये दोस्तों ये बिल्कुल बारीक तार का ब्रश है, इसे पट्टे वगैरह मैं साफ़ कर लेता हूँ इसके, अगर कुछ हो ना तो इससे साफ़ हो जाते हैं। बाकी आप रबड़ वगैरह से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा जंग लगी होती है तो इनसे साफ़ हो जाता है ये। लेकिन इसको इसी पोजीशन में चलाना दोस्तों, ऐसे नहीं करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। लगभग चमक चुका है, अब मैं इसको लगाता हूँ। सेट ऑन नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों सेट ऑन नहीं हो रहा, मैंने चेक किया है। तो अब आ जाते हैं इसकी वोल्टेज वाले पोर्शन पे, तो उसकी वोल्टेज नापते हैं पहले कि हमारी 3 वोल्ट बन रही है नहीं बन रही है, बाकी सप्लाइयाँ बन रही है नहीं बन रही है, उनको चेक करेंगे पहले। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी वोल्टेज बता देता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने बताया ये इसका पट्टा लगा हुआ है और ये सारी वोल्टेज इसमें लिखी हुई है। पहली वाली पिन पे आ रही है 18 वोल्ट, ठीक है, पहली पिन पे 18 वोल्ट है, उसके बाद 13 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट है। तो सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि हमारी 3.3 वोल्ट बन रही है या नहीं बन रही है। 3.3 वोल्ट बनती है इस रेगुलेटर पे। दोस्तों ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर, 19 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ से इनपुट आ रही है, 18 वोल्ट की सॉरी, और ये 9 वोल्ट का एक और रेगुलेटर यहाँ लगा हुआ है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि वोल्टेज हमारी कहाँ कहाँ आ रही है। प्रोब को रखेंगे ग्राउंड पे और मल्टीमीटर को रखेंगे 20 वोल्ट की रेंज में। ये नेगेटिव ये है दोस्तों, ठीक है ये नेगेटिव है। और सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं, 18 वोल्ट आनी चाहिए यहाँ, देखिए यहाँ पर आ रही है 18 वोल्ट आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राउंड है, उसके बाद यहाँ 3.3 वोल्ट आनी चाहिए, यहाँ 3.28 आ रही है, मतलब 3.3 वोल्ट आ रही है। उसके बाद यहाँ 8 वोल्ट चेक करेंगे, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, 0.4 वोल्ट आ रही है, 0.43, और यहाँ यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा दोस्तों। तो इसकी 13 नंबर पिन, एक ये 1 3 5 ये पूरी लाइन दोस्तों सिंगल डिजिट वाली है, वो ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस प्रकार से गिनेंगे। देखो 2 2 4 6 8 10 12 और ये 13 नंबर पिन पे दोस्तों 3.278 वोल्ट आ रही है, तो इसका मतलब 3.3 वोल्ट आ रही है। और ये इधर आ रही है दोस्तों हमारी 19 वोल्ट एक नंबर पिन पे, तो यहाँ एक नंबर पे 19 आ रही है
19 वोल्ट नहीं आ रही है यहाँ फिलहाल। ठीक है, अभी फ्रंट पे चेक करते हैं हमारा 3.3 वोल्ट आगे पैनल में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। तो उसके लिए हम आगे का फ्रंट खोलेंगे दोस्तों, एक बार इसे हटा देता हूँ और इसका फ्रंट खोलेंगे। फ्रंट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा पूरा फ्रेम हमें अलग करना होगा दोस्तों। इसके लिए थोड़ी करनी पड़ेगी मेहनत आपको। सबसे पहले इसके ये लैग खोल लेता हूँ दोनों, ताकि हमें आसानी रहे इसको खोलने में। दोस्तों मेहनत का काम ज़्यादा है इसमें, इसको खोलना थोड़ा टेढ़ा काम होता है क्योंकि कंपनी इसको चिपकाती है बहुत बुरी तरीके से। इसकी पेच इसको दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा सा तिरछा करके तब हम इसको बाहर निकाल पाएंगे। ये देखिए निकल गया ना, ये भी निकल गया। अब दोस्तों इसको खोलने के लिए क्या करेंगे आप, पहले मैं बोर्ड को अलग कर देता हूँ ताकि हमारे बोर्ड को कोई नुकसान ना हो, खींचातानी में टूट फूट ना हो जाए दोस्तों कुछ। तो इस बोर्ड को मैं अलग कर रहा हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा एसीटोन या थिनर वगैरह जो है ना यहाँ पे डालता हूँ इसके किनारों पे, ताकि थोड़ा पॉइंट तक वहाँ पहुँचे और कुछ लूजिंग हो जाए, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से चिपकता है। कंपनी तो ऐसे चिपकाती है जैसे मान लो अब कभी खुलेगा नहीं ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, ये थोड़ा हीट करके खुलता है वैसे तो, ये थोड़ा निशान वगैरह आने का खतरा होता है दोस्तों, इसलिए कस्टमर से पहले बोल देंगे आपके सर इसमें थोड़ा निशान वगैरह आ सकता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे आप, एक भारी सा पेचकस लेंगे चपटी वाली साइड से, इसके अंदर लगाएंगे और इसको धीरे 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 दोस्तों, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, धीरे धीरे। देखिए ये खुलने लगा ना धीरे धीरे इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ से बीच में से कम किनारों से ज़्यादा। देखिए दोस्तों देख रहे ना आप, इस प्रकार से ऐसे, ये देखिए ये अलग हो रहा है ऐसे इस साइड से, थोड़ा इसमें थिनर डाल देता हूँ अंदर ताकि उन पॉइंटों तक पहुँच जाए दोस्तों। ये देखिए अब हो गया ना, थिनर डालते ही दोस्तों एकदम लूज हो जाता है ये। तो जो अगले पॉइंट है ना उन तक भी डाल देते हैं, इस प्रकार से आप इजीली खोल सकते हैं। अब यहाँ से आपको पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ से मुझे दिख रहे हैं दोस्तों, ऐसे डालता जाऊँगा और ऐसे खोलता जाऊँगा। देखिए दोस्तों खुल गए ना, वैसे आप बिना थिनर की सहायता के खोलेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। देखिए ये चार पॉइंट बने हुए हैं इसके अंदर, देखिए ध्यान से दिखे ये चार पॉइंट हैं ऐसे दोस्तों, उस साइड के भी लूज हो जाएंगे, ये इस वाली साइड पर भी ये खुल गए, थिनर पहुंच गए ना दोस्तों उसके अंदर आराम से, इसलिए सब लूज़ हो गए। ये देखिए सारे लूज़ हो गए ना और ये खुल गया इजीली। अब देखिए दोस्तों इसका बोर्ड, ये इसका बोर्ड है, ये इसका इंडिकेटर। तो अब हम इसको खोलते हैं बड़े ही ध्यान से दोस्तों, मैं इन दोनों बोर्डों को खोल लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये देखिए इसकी पेच खोल दी मैंने, इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे अलग दोस्तों, ये बोर्ड हो गया अलग आपका। ठीक है इसको कर देता हूँ मैं साइड में। ये देखिए दोस्तों ये तीनों बोर्डों को पहले अभी हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या कुछ गंदगी फंसी हुई, तो इसको करेंगे पहले साफ। देखिए नीचे देखिए, क्योंकि छोटे छोटे कॉकरोच हो जाते हैं ना, तिल चट्टे इसके अंदर घुस जाते हैं, तो वो इसको शॉर्ट कर देते हैं कई बार। इसको साफ़ कर लेंगे, अब दोस्तों करना क्या है, अब क्या करना है आपने, सेट को जोड़ेंगे बोर्ड को लगा देंगे बड़ी सावधानी के साथ, बूफर वाला तार बूफर में और ये एंटीना वाला एंटीना में। अगर आपको लगता है कि आप कोई तार वगैरह भूल सकते हैं, तो जब भी आप कोई काम करें तो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके एक एक शॉट एक एक फ़ोटो उसकी लेते जाएं। ठीक है दोस्तों, ये लगा दिया मैंने और देखिए इसमें लगाता हूँ मैं पावर, और ये लगा दिया मैंने स्पीकर एक। ठीक है अब देखिए सबसे पहले इसको ही देख लेते हैं बोर्ड को। देखिए दोस्तों ये हो गया ना, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कहीं बटन तो ख़राब नहीं है और हमारा आईआर तो ख़राब नहीं है जो काम नहीं हो रहा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, चिमटी की सहायता से पावर के बटन को ऑन करके देखेंगे। ये मैंने चिमटी ली और इसके पावर के स्विच को मैं करता हूँ ऑन, नहीं हो रहा दोस्तों, ऑन नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों ऑन हो गया ना पावर का स्विच, इसका मतलब हमारा स्विच ख़राब था। और अब इसका फंक्शन चेंज करता हूँ मैं, देखिए फंक्शन चेंज करूँगा, फंक्शन भी चेंज हो गया दोस्तों। देखिए ये देखिए ये चेंज हो गया, ब्लूटूथ आ गया दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया कि ये स्विच हमारा ख़राब था, थोड़ा हमने इसको साफ़ सूफ किया है ब्रश से, तो हमारा
ये स्विच थोड़ा थोड़ा काम भी करने लग गया। देखिए ये काम करने लग गया ना, लेकिन हमारा रिमोट अभी भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। सेल हमने डाल रखे हैं इसमें नए, ये देखिए फिर भी हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा है। रिमोट आप टेस्ट कर लेंगे अपना अगर कोई ऐसी दिक्कत हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आईआर तो ख़राब नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, आप मीटर को रखेंगे 20 वोल्ट की रेंज में और एक लगाएंगे इसकी बॉडी पे, यानी बीच वाली पिन नेगेटिव है, ये VCC देखिए इस पर लिखा हुआ है, तो ये ऑलरेडी तीसरी हो गई आईआर। यहाँ देखिए यहाँ कितनी वोल्ट आ रही है, 3 वोल्ट, बीच वाले पर 0 होगी और यहाँ पर भी लगभग 1-2 वोल्ट आनी चाहिए। देखिए दोस्तों ये इसको यहाँ लगाया, इसको यहाँ, जब हम मीटर को जब रिमोट को ऑन करेंगे ना, रिमोट से कोई भी की दबाएंगे तो यहाँ की वोल्टेज वैरी करती है, लेकिन ये वोल्टेज कम है, इतनी नहीं होती दोस्तों, तो इसलिए ये आईआर सेंसर हमारा ख़राब है, बहुत कम वोल्टेज आ रही है, तो आईआर सेंसर को एक बार बदल लेते हैं। लेकिन इस सेंसर को बदलने से पहले एक काम और करना है आपने, इस बोर्ड को जो है ना, हमारा ये जो बोर्ड है इसको निकालना है, अच्छी तरह साफ़ करना है पहले, कि हो सकता है किसी गंदगी की वजह से शॉर्टिंग तो नहीं हो रही, तो सबसे पहले इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। ये करता हूँ बंद, सेट को कर दिया बंद, ठीक है दोस्तों, सेट बंद हो गया, अपना बोर्ड निकालते हैं यहाँ से। और इसी प्रकार से दोस्तों ये पट्टा देख लेंगे, साफ़ है ना, बिल्कुल साफ़ है, एक बार और साफ़ कर लेंगे नहीं तो। और इस वाले पट्टे के चारों तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ गंदगी लगी हुई है, लग रही ना कुछ गंदगी, तो इसको भी साफ़ करेंगे हम। इसको मैं निकालता हूँ एक बार, पहले ब्रश से इस बोर्ड को साफ़ करेंगे अच्छी तरह। अब आप चाहो तो ऐसी टोन वगैरह से इसको धो भी सकते हो। दोनों ही साइड से दोस्तों इसको निकाल लेते हैं और दोनों ही साइड से इसको साफ़ करेंगे। देखिए यहाँ भी लग रही है कुछ गंदगी, इसको धो भी सकते हैं आप, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। इस पट्टे को साफ़ कर लेते हैं दोस्तों। इस पट्टे के पीछे इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, LED पावर, BT, TV, USB की, आई की, ग्राउंड 3 वोल्ट, IR, ग्राउंड और 3 वोल्ट लिखा हुआ है इस पर, 1, 2 और 3, ऐसे यहाँ पे 1, 2 और 3 IR ग्राउंड है, पहली पिन है 1, 2 और 3 पहली पिन है। तो इसके स्ट्रैप को लगाता हूँ, ये इस प्रकार लगेगा, जहाँ पिने हैं दोस्तों उन वहाँ पिनों को ऊपर रखेंगे और इस स्ट्रैप को लगा देंगे ऐसे, और ये पिने हैं यहाँ, इन पिनों को लगा देंगे ऐसे और ये स्ट्रैप को कर देंगे ऐसे। अब ये वाला स्ट्रैप जोड़ लेते हैं दोस्तों। पट्टा उल्टा लगेगा तो दोस्तों सेट ऑन नहीं होगा या फंक्शन काम नहीं करेगा, उल्टा लगने से शॉर्टिंग वगैरह कुछ चांस नहीं होता इसके अंदर। और ये कनेक्ट कर दिया, अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ एक बार। देखिए स्टैंड बाई में हमारा सेट है, मैं ऑन करता हूँ, ऑन नहीं हो रहा दोस्तों। तो दोस्तों इसका IR अब मैं चेंज करूँगा, इसका IR चेंज कर लेते हैं दोस्तों। ये है IR, ऐसा IR आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो कहाँ से लेंगे आप। ये पुराने मॉड्यूल होते हैं ना USB के, खराब बहुत निकलते हैं मैकेनिकों के पास, आपके पास भी होंगे अगर आप मैकेनिक हैं तो, यहाँ से भी निकाल के लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस IR के कनेक्शन में आपको बता दूँ, ये होती है IR, ये ग्राउंड, ये VCC, ठीक है दोस्तों। पहली पिन ऐसे देखेंगे तो पहली IR, ग्राउंड, VCC। तो दोस्तों इसके लिए यूज़ करूँगा मैं डिसोल्डिंग वायर का। ये डिसोल्डिंग वायर ऐसी होती है, छोटा टुकड़ा मैंने ले लिया, एक आयरन ले लेंगे थोड़ा तेज, और देखिए इन तीनों पिनों को डिसोल्डर करेंगे दोस्तों। ये ध्यान रखें कोई छोटा मोटा पुर्जा इसके साथ निकल ना जाए। एक मिनट में स्टैंड ले लेता हूँ दोस्तों, आपको दिखाने के लिए, सही तरह से समझाने के लिए मैं क्या क्या जुगाड़ लगाता हूँ। एक मैं स्टैंड ले आया हूँ आपके लिए, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ, ताकि बोर्ड ही लेना हम आसानी से काम कर सकें। अब दोस्तों इसकी मैं बाकी की पिनें भी डिसोल्डर कर देता हूँ। ये हो गई हमारी डिसोल्डरिंग, इस सेंसर को निकाल देते हैं। दोस्तों इसका IR में लगा देता हूँ, ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया था इसके कनेक्शन कैसे हैं, इसी प्रकार से इसको लगाएंगे, उतनी ही हाइट पर लगाएंगे दोस्तों इसको। पहले इसको मोड़ते हैं, फिर उतनी हाइट पर इसको ऐसे देखिए, इतनी हाइट पर सेट कर देंगे इसको। पहले एक पिन, फिर बाकी की पिनों पर सोल्डरिंग कर देते हैं। फालतू पिनों को हम थोड़ा छोटा कर देंगे दोस्तों। अब इसको करते हैं टेस्ट दोस्तों। हमारा IR लग गया है, अब देखिए मैं रिमोट से आपको सेट ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए ग्रीन आ गया, और फंक्शन चेंज करूँगा, ये फंक्शन भी चेंज होने लगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉल्ट था, स्विचेस पे गंदगी जमी हुई थी और IR सेंसर हमारा ख़राब था, तो इस प्रकार से हमारा ये सेट ओके हो गया। अब हम इसको फिट करेंगे, फिर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा दोस्तों।
तो दोस्तों मैं आपको चेक करा देता हूँ इसके अंदर सेंसर, क्योंकि उस टाइम ख़राब था तो टेस्ट नहीं हो पाया था ना सेंसर, सेंसर वर्क कैसे करता है, आपका सेंसर ख़राब है या नहीं है। वो एक तरीका तो वो था भी, वोल्टेज आ ही नहीं रही थी, पता ही नहीं चल रहा था। एक तरीका ये है दोस्तों, एक पिन लगाएंगे नेगेटिव पे और एक पिन लगाएंगे इसके IR वाले पॉइंट पे। देखिए 3.3 वोल्ट आ रही है यहाँ, और यहाँ पे आ रही थी 3.2 वोल्ट, 3.21, 3.22, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पॉइंट्स वोल्टेज का ही फ़र्क होता है। सप्लाई ये है, ये IR है। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक हाथ से मैं इसको संभालूंगा, ये ऐसे करता हूँ, मैं नेगेटिव लगा देता हूँ इसके अंदर, नेगेटिव यहाँ आया यहाँ। देखिए दोस्तों जैसे मैं सिग्नल दूंगा रिमोट से, देखिए वोल्टेज देखिएगा, देखिए एकदम डाउन हुई ना, और छोड़ते ही पूरी हो गई। अगर आपकी वोल्टेज इस प्रकार से वैरी करे सिग्नल देते टाइम, तो समझ लीजिए आप आपका सेंसर ठीक है। IR जब हम रिमोट से सिग्नल देते हैं ना, तो IR वाली पिन की वोल्टेज वैरी करती है, कम होगी थोड़ी सी, देखिए कम हो रही है ना, कोई भी बटन दबा लेंगे कम होगी। ये देखिए पावर दबाऊंगा ना, तो ये देखिए तब भी कम हो रही है, ये आप देखिए पूरी हो गई, अभी देखिए कम हो गई, पूरी हो गई, कम हो गई, पूरी हो गई। इसी प्रकार से दोस्तों आप चेक कर लेंगे। अब हम अपना सेट फिट करते हैं दोस्तों, फिर करते हैं टेस्ट। दोस्तों मैं इसकी फिटिंग बनाता हूँ, इस प्रकार से मैं इस सेट को रख रहा हूँ ताकि ऊंचाई हमारी प्रॉपर हो जाए। सबसे पहले इस साइड की फिटिंग बना लेते हैं। अब दोस्तों इसको बैठाते हैं इसके अंदर प्रॉपर तरीके से। अगर इसका स्पीकर गंदा हो तो दोस्तों इसके स्पीकर पे भी थोड़ा कपड़ा मार लेते हैं हम, और इसको कर देते हैं अंदर सेट। सेट करने से पहले दोस्तों इसकी टांगे लगा लेता हूँ मैं, ये वाली नहीं तो कई बार ये दिक्कत करती हैं टांगे ना लगने में। ये टांगे लग गई और ये दोस्तों हो गया फिट। इसको दोस्तों हल्का हल्का थोड़ा जोर देके इसको दबा देंगे, इसको कर देंगे फिट। इस प्रकार ये हमारा फ्रंट हो गया फिट। अब ये बैक साइड में दोस्तों बोर्ड के साथ इसको फिट कर देंगे, बोर्ड के करेंगे कनेक्शन। ये स्पीकर वाला पॉइंट, रेड और ब्लैक वाला पॉइंट दोस्तों इस पर लगेगा, ये स्पीकर वाला पॉइंट है, ठीक है। ये कॉइलें लगी है ना सारी, और ये सिंगल वाला वायर यहाँ का है। इसको लगाएंगे ऐसे, इस साइड से फिट करेंगे, देखिए ऐसे फिट करेंगे, और ये यहाँ से ना अपने आप सेट हो जाता है इधर से। ये हो गई सेट, फिटिंग हो गई। अब लगा देंगे इसके पेज, चार पेज इस बोर्ड के दोस्तों, चारों पेज लगाते हैं। ये वाला इससे नीचे रहेगा स्पीकर वाला, पांचों पेज लगाते हैं इसके। ये सेट हो गया फिट, अब लगा देते हैं दोस्तों इसकी पावर, और ये लगा दिया इसका स्पीकर। सप्लाई पे ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए रेड हो गया, और ये मैं रिमोट से करता हूँ ऑन, देखिए ग्रीन हो गया TV, ये फंक्शन चेंज किया USB, और ये ब्लूटूथ। पहले ब्लूटूथ चेक करा देता हूँ, देखिए दोस्तों ये ब्लूटूथ ऑन किया, पेयर विद न्यू डिवाइस SAD40 एक्टिव, और ये सॉन्ग, ठीक है दोस्तों। आवाज़ आने लगी थोड़ी थोड़ी, और ये देखिए मैं आवाज़ बढ़ाता हूँ, तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो सोनी SAD40 सेट की, जिसमें कि आपने देखा कि रिमोट भी काम नहीं कर रहा था और फंक्शन भी काम नहीं कर रहे थे। इसमें ख़राबी क्या निकली दोस्तों, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना घर में, वो इसके अंदर घुस गए, उसकी वजह से उन्होंने शॉर्टिंग बना दी सर्किट के अंदर। सफाई करने से हमारे फंक्शन के बटन काम करने लगे, और IR सेंसर वो शॉर्ट हो गया था, वो हमने नया डाल दिया, उसके बाद हमारा सेट हो गया ओके। तो दोस्तों ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इस प्रकार की मैं कई वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपके सेट में ब्लूटूथ नहीं है इस टाइप के सेट में किसी में भी सोनी के, तो एक वीडियो है जिसका मैंने लिंक आई बटन में
और डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।